Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Unique Fashion Beauty. Guys, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे. Guys, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे एम्ब्रॉयडरी क्लच आइडियाज़ लेके आई हूँ कि किस तरह आप इस पर कोरिया की एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, तो कितनी खूबसूरत इसके ऊपर और कितनी नफीस किस्म की डिज़ाइनिंग की गई है, कितनी नफीस किस्म की इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है. ये ज़्यादातर हमारी जो ब्राइडल्स वलीमा के लिए यानी अपना जो है हैंडबैग तैयार करवा सकते हैं, अपना क्लच तैयार करवा सकती हैं. ये जो है ब्राइडल पर है कि वो किस तरह का क्लच यानी अपने हाथ में पकड़ना पसंद करती हैं, यानी राउंड बॉल हो या यानी सॉरी सर्कल बॉल भी इसको कहते हैं, राउंड बॉल भी कहते हैं, क्लच कहते हैं. और इसके अलावा जो है अगर आप सिंपल क्लच पसंद करते हैं तो ये भी आप अगर आप डिज़ाइनिंग करवाना चाहती हैं तो आप करवा सकते हैं. अदरवाइज़ ये मुश्किल लगता है, तो फ्रेंड्स ये कोई मुश्किल नहीं है कि आपको बाज़ार से ना मिल सकें, ये आपको इजीली बाज़ार से कहीं भी बड़ी शॉप से इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले, क्योंकि थोड़े से कॉस्टली होंगे और जो है लेकिन मिल जाएंगे आपको इजीली. अगर आप किसी बड़ी शॉप से इसका जो है डिज़ाइन आप इसके देखें और अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके तो आप बनवा सकते हैं. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करें, फॉलो करें. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो. फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं थोड़ी सी जो है परेशान हूँ, अल्लाह ताला मेरी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए. आप लोगों की दुआओं से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप लोगों ने ही मेरे लिए दुआ करनी है. अल्लाह ताला हम सबको हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए. मैं इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करूँगी और मैं करती भी हूँ कि अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए. ओके गाइज, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सब की मुश्किलात को अल्लाह दूर फरमाए. तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. और छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ नमाज की पाबंदी करें और मेरे लिए भी दुआ करें.